सभी का अपने तनु स्टडी क्लास में तो आज हम लोग जानेंगे वाटर कलर्स नेम और ए तो आइए बच्चों मैं आपको बताती हूं कलर्स नेम रेड कलर ब्लू कलर येलो कलर ग्रीन कलर ब्राउन कलर ऑरेंज कलर तो आइए बच्चों अब हम कलर्स को फिल करते हैं पहले आता है ए ये कौन सा कलर है ये है ऑरेंज कलर ए फॉर क्या होता है ए फॉर होता है एप्पल एप्पल मीन्स होता है सेब ए के बाद आता है बी ये है ब्राउन कलर कौन सा कलर है ब्राउन कलर बी फॉर क्या होता है बी फॉर होती है बटरफ्लाई बटरफ्लाई मीन्स होती है तितली बी के बाद आता है बच्चों। सी ये है ग्रीन कलर सी फॉर क्या होता है सी फॉर होता है कैट कैट मीन्स होती है बिल्ली सी के बाद आता है डी ये है देखिए येलो कलर तो येलो कलर हम डी में फिल करते हैं डी फॉर क्या होता है डी फॉर होता है डंकी डंकी मीन्स होता है गधा डी के बाद आता है बच्चों ई ये है ब्लू कलर कौन सा कलर है ब्लू कलर ई फॉर क्या होता है ई फॉर होता है इग इग मींस होता है अंडा ई के बाद आता है एफ ये है रेड कलर एफ फॉर क्या होता है एफ फॉर होता है फैन फैन मीन्स क्या होता है बच्चों? फैन मीन्स होता है पंखा एफ के बाद आता है जी ये है ऑरेंज कलर जी फोर होता है गन गन मीन्स क्या होता है बंदूक जी के बाद क्या आता है जी के बाद आता है एच यह है देखिये ब्राउन कलर कौन सा कलर है ब्राउन कलर एच फोर क्या होता है एच फॉर होता है हॉर्स हॉर्स मीन होता है घोड़ा एच के बाद आता है आई ये है ग्रीन कलर कौन सा कलर बच्चों ग्रीन कलर आई फॉर होता है आइसक्रीम आई के बाद क्या आता है आई के बाद आता है जे ये है देखिए येलो कलर जे फॉर होता है जोकर क्या होता है बच्चों जे फॉर जे फॉर जोकर जे के बाद आता है के तो आइए हम के में करते हैं ब्लू कलर के फॉर क्या होता है के फॉर होता है कीबोर्ड क्या होता है बच्चों के फॉर के फॉर कीबोर्ड के के बाद आता है एल तो आइए एल में हम करते हैं रेड कलर एल फॉर होती है लीफ लीफ मीन्स होती है पत्ती एल के बाद आता है एम तो एम में हम करेंगे ऑरेंज कलर फॉर होता है मैंगो मैंगो मीन्स होता है आम एम के बाद आता है बच्चों एन तो एन में हम करते हैं ब्राउन कलर एन फॉर होती है नोज नोज मीन्स होती है नाक तो बच्चों आप लोग भी ऐसे पढ़िए और आगे बढ़िए ओके बच्चों बाय बाय थैंक यू